नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रोहित क्रिएशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जीएसटी के नंबर के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। आपको जीएसटी नंबर कब लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, ठीक है। मेरे पास काफ़ी लोगों के कमेंट भी आए और कुछ लोगों ने, जैसे मैंने अपना नंबर डाल रखा है अपनी वीडियोज़ में, तो मेरे पास फ़ोन भी आते हैं ऑर्डर के लिए, तो वो पूछते हैं सर हमें एलईडी बल्ब का बिजनेस करना है तो क्या हमें जीएसटी नंबर की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो उसी चीज़ को मैं आज मैं समझा देता हूँ, थोड़ा अपने ऊपर लेके समझा देता हूँ। जैसे मैं यूपी में रहता हूँ, मेरठ सिटी में, तो मैं अपने यूपी के अंदर ही रहकर अगर मैं 20 लाख से नीचे का माल एक साल के अंदर 20 लाख से नीचे का माल सेल करता हूँ, वो चाहे एलईडी बल्ब हो या और कुछ भी काम हो, मेरा एक बिजनेस हो या दो बिजनेस हो, 20 लाख से नीचे का मेरा एक साल का टर्नओवर है, तो मुझे जीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा टर्नओवर एक साल में 20 लाख से ऊपर का जाता है तो मुझे जीएसटी नंबर की ज़रूरत है, चाहे वो मेरा एलईडी बल्ब का बिजनेस हो या किसी और दूसरा बिजनेस हो जो भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं यूपी में रहकर अपने यूपी से बाहर के राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, एमपी वगैरह में मैं अगर सेल करता हूँ तो मुझे जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी है, ठीक है। अब वो उसके अंदर माल में सेल की ज़रूरत नहीं है, आपकी 20 लाख की सेल है, 10 लाख की सेल है, 5 लाख की सेल है साल में, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर 10,000 का ही माल दे रहे हैं किसी दूसरे राज्य में तो आपको जीएसटी का बिल काट कर देना होगा और शो करना होगा मैंने इस आदमी को इतने रुपये का माल सेल किया, ठीक है। अगर मैं किसी दूसरे राज्य से माल मंगाता हूँ, तो मुझे जीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे आधार कार्ड पर मेरा बिल काट कर दे देगा, मेरे आधार कार्ड के नंबर पर, सॉरी, ठीक है। और इसके अंदर आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि आपको बिल की ज़रूरत है नहीं है। मेरे पास जो भी मुझसे माल लेते हैं 10-20 हज़ार लाख का, तो उन्हें खुद को कंफर्म होना है कि उन्हें जीएसटी की उनकी सेल कितनी है, उनका कुछ और बिजनेस तो नहीं है। तो अगर उनकी सेलिंग 20 लाख से नीचे की है, मतलब टर्नओवर 20 लाख से नीचे का, तो उन्हें जीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं है अपने ही राज्य में। अगर वो दूसरे राज्य से माल सेल कर रहे हैं, मेरे से ले रहे हैं, और महाराष्ट्र का कोई बंदा है मुझसे ख़रीद रहा है और अपने ही राज्य में सेल करना है, तो उसका टर्नओवर 20 लाख से नीचे का है तो उसे जीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं है। अब जीएसटी नंबर कैसे लें वो भी आपको मैं बता दूं। जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उन्हें देखकर अप्लाई कर सकते हैं, इजी है काफ़ी, और उसमें कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। आपको सिंपली एक जीएसटी नंबर लेना है और प्रिंटिंग के लिए बिल बुक को छपवानी है, अपनी बिल बुक छपवानी किसी प्रिंटर से, प्रिंटर वाले जो प्रिंटिंग करते हैं, किताब कॉपी छापते हैं, वो छाप देते हैं, उसका खर्चा आता है, नहीं मतलब जीएसटी नंबर लेंगे आपको कोई खर्चा नहीं आएगा। अगर आपको यूट्यूब से वीडियो देखने से नहीं समझ में आते तो आप किसी भी वकील या किसी भी सीए से अपना जीएसटी नंबर ले सकते हैं, वो आपको 1,000 से 2,000 तक का चार्ज करते हैं और आपको एक आपका जीएसटी नंबर दे देंगे, ठीक है। और आपको जो भी फर्म अपनी रजिस्टर करानी हो वो फर्म आपकी रजिस्टर कर देंगे उसी नाम से। तो आज की मेरी जो वीडियो है उसके अंदर दोबारा दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी तरह की और भी वीडियो को बनाने के लिए मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, तो मैं और भी आपको अच्छी अच्छी जानकारी दे सकता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो पसंद आई हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं फेस की वीडियो कम बनाता हूँ, मेरा मुंह थोड़ा टेढ़ा हो जाता है तो इसीलिए नहीं बनाता। तो चलिए, धन्यवाद, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर कमेंट में। ओके दोस्तों, बाय बाय।